जम्मू कश्मीर में बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर किश्तवाड़ पहुंचे, जहां जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां इस दौरान गिनाई। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति बहाल हुई है। उन्होंने जनता से बीजेपी को बंपर वोट करने की अपील भी की। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया, पुष्पमाला उनको पहनाई गई और इसी के साथ किश्तवाड़ में पहुंचकर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास उनकी ओर से किया गया और लोगों से अपील की गई कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बंपर जीत दिलाएं। पहाड़ों में 10-20 गाड़ी भी इकट्ठी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ काफिला इतना लंबा था कि एक मोड़ पे खड़े हो जाओ तो न जाने कितने मोड़ पीछे देखते। ये दिखाता है हजूम और जोश जो जनता ने मन बना लिया है सुनील शर्मा जी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी। जनता ने देखा जब से सुनील शर्मा जी आए धारा 370 भी हटी और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे 4 बड़े प्रोजेक्ट आए, करोड़ों रुपए का निवेश हुआ, सड़कें बनी, शिक्षा के केंद्र बने, अब ये नई विधानसभा बनी है, नया रिकॉर्ड भी बनेगा, नया रिकॉर्ड। एनसी का मैनिफेस्टो कश्मीर को वापिस आतंकवाद, अलगाववाद और अक्सरवाद में धकेलने वाला है और जनता उसको कभी स्वीकारेगी नहीं। जनता वापिस बंदूक, बुलेट और बम की ओर नहीं जाएगी। जनता विकास चाहती है, शांति चाहती है, संपन्नता चाहती है। समर्थन आम नौजवान का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, किश्तवाड़ के जनमानस का जो मिल रहा है, ये घोषित कर रहा है कि 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के निशान के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर एक बड़ी संख्या के अंदर, बड़ी अक्सरियत के अंदर शगुन परिहार जी को आशीर्वाद के रूप में लोग वोट डालने को तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब 18 तारीख आएगी और सब मतदान के अपने हक से शगुन परिहार जी को किश्तवाड़ का विधायक चुन करके विधानसभा में भेजेंगे।